बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरख्त और ऑर्गेनिक खेती पिकनिक के साथ, ये वो जगह है जहाँ पे पहले हमारी मक्की थी। मक्की आपको दिखाई थी, माशाल्लाह बहुत अच्छी थी, बग़ैर खादों के, बग़ैर किसी स्प्रे के, और वो अब भी YouTube चैनल पे मौजूद है। वीडियो हमने शेयर की थी। उसके बाद यहाँ पे लूसन हमने काश्त किया है। दरमियान में 42 इंच के परमानेंट रेज बेड के ऊपर लूसन है, और अभी साइडों पे प्रेसीजन मशीन के साथ कपास काश्त की जा रही है। अभी वो दिखाते हैं कि कपास कैसे काश्त हो रही है बग़ैर हल चलाए पुराने बेड के ऊपर। दो लाइनें लगाई जा रही हैं 42 इंच के परमानेंट रेज बेड के दोनों साइडों से, 4-4 इंच छोड़ के दो लाइनें कपास की लगाई जा रही हैं, और पौधे से पौधे का फासला 6 इंच पौधे से पौधे का फासला है। प्रेसीजन मशीन के साथ कपास काश की जा रही है, और जर्मिनेशन के बाद एक पौधा जो है वो हम निकाल देंगे। इसलिए अभी जो है ये 6 इंच के फासले पे लगाई जा रही है, और फिर यही पौधा जो है एक फिट पे आ जाएगा। तो इसमें समझ लें कि इंटरक्रॉपिंग जो है वो लूसन की है, और साथ वही लाइव मल्च का भी काम देगी। किसी किस्म का नीचे खाद नहीं दिया गया, कोई बाद में स्प्रे नहीं करेंगे। इंशाल्लाह हर मरहले पे ये दिखाएंगे कि कपास बग़ैर खाद के, बग़ैर किसी स्प्रे के कैसे काश्त की जाती है। ये समझें कि हमारी दूसरी फसल इस बेड के ऊपर चल रही है। पहली फसल यहाँ पे पिकनिक पे मक्की थी, वो मक्की दिखाई गई थी, तमाम मराहिल दिखाए गए थे जर्मिनेशन से लेकर हार्वेस्टिंग तक, और अभी कपास उन्हीं बेड के ऊपर, कोई हल नहीं चलाया गया, कोई किसी किस्म के बेड को डिस्टर्ब नहीं किया गया, और अभी उसी बेड के ऊपर कपास काश्त की जा रही है। दुआओं में याद रखिएगा। सी अमानुल्लाह।